खामोशिया बेचैनिया रदानिया सोर हसाया करो कभी खुश कभी गम तारा रम पम पम हसो और हसाया करो रम पम ओए ये क्या कर रहा है चपेट मार कर मुंह पे पर तुमने तो कहा था कि हसो और हसाया करो मैं तो तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था मैंने कहा था ओ अच्छा 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 अरे वो तो मैं ये सेलिना जेटली का नया वीडियो देख रही थी कभी खुश कभी गम तारा रम पम पम हसो और हसाया करो देखो ओ अच्छा ये ना उसको नई एल्बम आई है द वेलकम उसका गाना है बड़ा अच्छा है मुझे ना सेलिना जेटली से प्यार हो गया क्या गाना गाया उसने प्यार में इसका मतलब तुम्हें लड़कियां पसंद है चुप कर नॉर्मल केस में मैंने ना सेलिना जेटली का गाना ही बड़ा पसंद है और वो मेरे सामने आ गए ना मैंने जप्पी पाली नहीं उसको बिल्कुल अच्छा सेलिना जेटली ऐसा क्या खास है उसमें तू जानता है उसे जानता हूँ अरे हमारा तो उठना बैठना रोज का है सच्ची पर वो तो मुंबई में रहती है और तू दिल्ली में मेरे कहने का मतलब तानिया हम ना बहुत खास दोस्त हैं सच्ची मुच्ची एकदम मुच्ची ए पप्पू प्लीज मिलवा देना मुझे उससे प्लीज उससे मिलवाना वो तो मैं कभी भी कर सकता हूँ जब चाहोगी तब मिलवा दूंगा अपनी बहुत खास है वो केलो ओए तो चलना मुझे मिलवा दे उससे क्यों होया लगता है जोर का झटका जोर से लगा पर यहाँ तो कोई बिजली की तार भी नहीं है कैसा झटका है ना मेरे सामने है चल ये सब छोड़ पहले पकड़ने तो दो तभी तो छोड़ूंगा अभी तो पकड़ा ही नहीं है मैं ये कह रही हूँ कि ये बकवास बातें छोड़ चल के मुझे सेलिना जेटली से मिलवा दे जल्दी से हे बाबा जी ये तो पीछे ही पड़ गई है तानिया वो क्या है ना अब देखो सेलिना तो रहती है मुंबई में और मैं यहाँ दिल्ली में और मैं ऑफिस के काम की वजह से वहाँ जा भी नहीं सकता अब तुझे इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि आज ही मैंने रेडियो पे ये सुना है कि सेलिना जेटली वो राजौरी गार्डन में नटराज स्टूडियो है ना वहाँ लाइव परफॉर्म करने वाली क्या ले चलना प्लीज मुझे उससे मिलवा दे क्या तू मुझे वहाँ ले चल सकता है ना पर तानिया वो अगर तू मुझे वहाँ लेके नहीं गया तो मैं तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी और तुम्हें अगर मेरे झूठ का पता चल गया तो तुम तो वैसे भी बात नहीं करोगी तू चल रहे है नहीं हाँ हाँ चलता हूँ तुम चलो मैं आया ओके ठीक है बाय वॉचमैन दरवाजा खोलो क्यों क्यों लॉक लगा के ये तेरी आवाज है अच्छा अच्छा खैर छोड़ो दरवाजा खोलो देखने दे कौन आया मुझे तो कोई कौन नहीं दिख रहा लॉक लगा के अरे सेलिना जेटली के बेस्ट फ्रेंड है ये सेलिना जेटली के बेस्ट फ्रेंड खुद उनसे मिलने आए हैं सेलिना जेटली मैडम का बेस्ट फ्रेंड हाँ ये है ना सामने हेलो जी क्यों कोई शक है तुम्हें सच नहीं यकीन है सेलिना मैडम का नौकर भी इससे अच्छी शक्ल का है और इससे अच्छे कपड़े पहनता है लॉक लगा के पप्पू ये क्या कह रहा है ओए क्या कह रहे तू तानिया लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं होगा कोई नहीं हम बाद में कभी आएंगे ना फिर से पहचानता नहीं तो क्या हुआ है तो तू सेलिना जेटली का बेस्ट फ्रेंड ना हाँ वो तो हूँ हूँ वॉचमैन दरवाजा खोल वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा तानिया कौर नाम है मेरा एवी नहीं है नहीं खोलूंगा मैं चकदेव चकदेव लॉक लगा के क्या कर लोगे तुम क्या कर लूंगी मैं मार मार के ना जुतियां मैंने तेरे सारे लॉक खोल देने क्या मुझे धमकी दे रही हो लॉक लगा के हाँ हाँ धमकी दरवाजा खोल मैंने तेरी आवाज की तरह मैं तुझे भी बैठा दूंगी अरे नहीं नहीं तानिया क्या कर रही हो उसकी सिर्फ आवाज पतली है हाथ पैर बहुत मोटे हैं तो मैं कोई इससे डरती हूँ बहुत देखे मैंने इसके जैसे ले जा इसको हाँ। बताओ मैं तुझे अरे तानिया छोड़ो ना मैं ना तुम्हें सेलिना से उसके घर पे ले जाके मिलवा दूंगा ओए ऐसे कैसे जाने दूं इसको तो मैं आज सबक सिखा के रहूंगी तू देख अरे नहीं नहीं तानिया छोड़ो ना उसको यार इसको तुझे सबक सिखा के तू रुक जा दरवाजा खोल जल्दी दरवाजा खोल तानिया रुको तानिया तानिया नहीं तानिया क्या कर रही हो तू हट यहां से दरवाजा खोल छोड़ मुझे छोड़ो मुझे ओए पप्पू छोड़ मुझे आज तो मैंने उस वॉचमैन का मुंह तोड़ दिया छोड़ मुझे छोड़ जल्दी छोड़ पहले सीन में बहुत लंबी लंबी छुड़ी थी तभी तो फंस गया क्या बोला कुछ नहीं कुछ नहीं अब ये बता हम करेंगे क्या अब मुझे तो नहीं आई है मैं तो नहीं करूंगा अरे मैं सेलिना जेटली के घर जाने की बात कर रही हूँ पर सेलिना जेटली के घर जाके करेंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा अरे मैं सेलिना जेटली के घर जाकर उससे मिलने की बात कर रही हूँ ओह अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ना मैं उसको फोन कर देता हूँ उसके बाद में तुम्हें मिलवाने ले जाऊंगा उसके घर चल ठीक है
ओके बाय। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये कौन बोला? ये भगवान बोला। अब तुम्हारी कमी थी, आओ मेरे सर पे खड़े होकर नाचो। जरा देखो देखो, तुम्हारे सर पे इतनी जगह नहीं है कि मैं नाच सकूं। अरे चुप करो यार, मैं ऑलरेडी पागल हो रहा हूँ। बेटा मेरे चुप होने के बाद भी तुम्हें पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मेरा कहने का मतलब, परेशान हूँ। लेकिन लगता है तुम तो अब तक पप्पू हो। अरे दद्दू, मैं पप्पू ही हूँ, परेशान मतलब मैं टेंशन में हूँ। अरे मैंने तुमको कितनी बार कहा करो सुबह सुबह पहले बाथरूम में जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं है। अरे वो वाली टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ भगवान अंकल। तो फिर मैंने ना तानिया से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको सेलिना जेटली से मिलवाऊंगा। तो उसने तुम्हारा अमरूद जैसा चेहरा देख के मान लिया? हाँ, मेरा मुंह अमरूद जैसा है, तुम्हारी तो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं एक सेलिब्रिटी मैनेजर को जानता हूँ, वो तुम्हारा काम कर सकता है। ये बात सच में क्या? अरे मैंने आज तक इससे पहले कभी झूठ बोला क्या? बेटा ये लो नंबर और उसे बात करो। ये ठीक रहेगा। अब मैं जल्दी से उसे फोन लगा के बात करता हूँ और फिर सेलिना जेटली से तानिया को मिलवाने का जुगाड़ कर लेता हूँ। थैंक यू। वाह बेटा, तुम एक बार उससे जुगाड़ कर लो, फिर मैं भी सेलिना से मिलके उससे अपने दिल की बात कहूंगा। हाय। अरे सर चिंता मत करो। अरे हाँ, अरे अमित जी तो अपने ही आदमी हैं, आप क्यों घबराते हो? फिल्मी कीड़ा देता है पीड़ा, है ना? आप ही हैं क्या फिल्मी जी? अरे सर आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी सेलिना जी से बात हो रही है। अरे जैसी वो हवाई से छुट्टियां मना के हवाई जहाज से उतरेंगी, मैं आपसे मिलवा दूंगा। फिल्मी कीड़ा देता है पीड़ा, है ना? हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ओके ओके, जय माता दी, जय माता दी। हाँ भाई बोलो, फिल्मी कीड़ा देता है पीड़ा। फिल्मी कीड़ा देता है पीड़ा। अरे भाई ये मेरा डायलॉग है, अपना बोलो। आप ही ने तो बोला है बोलने के लिए। कौन हो, क्या चाहते हो? मैं पप्पू हूँ, वो आपने कहा था ना सेलिना जेटली से मिलवाएंगे। अच्छा तो आप ही हैं जिसे सेलिना जेटली से मिलना है? अरे तब तो एकदम सही जगह पर आए हो बंधु, फिल्मी कीड़ा देता है पीड़ा। हाँ तो आपका काम हो गया सुन। थैंक यू थैंक यू। तो कब आऊं मैं सेलिना जी से मिलने के लिए? जनाब ये थैंक यू वैंक यू अपने पास रखिए और हमें सिर्फ नकद नारायण के दर्शन करवा दीजिए। नकद नारायण? पर हमारे मोहल्ले में तो कोई भी नकद नारायण नहीं रहता। भाई साहब आप समझे नहीं, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। अच्छा पैसों की बात कर रहे हो, कितने पैसे? यही कोई 50,000। 50,000? जी हाँ, फिल्मी कीड़ा देता है पीड़ा। इससे कम नहीं होंगे? कितना कम? यही कोई 49,500, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही 500 रुपए हैं। भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। पूरे 50,000 लेके आइए, तभी सेलिना जी से मुलाकात होगी। 50,000 का सलाम? 50,000 रुपए? हाँ भगवान अंकल 50,000 रुपए, कहाँ से लाऊंगा? नंदू को भेज दो। भेज कैसे दूं भगवान अंकल, भाई को तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। तो ऐसा करो तुम किसी कबाड़ी वाले के यहाँ ट्राई करो। ट्राई किया था भगवान अंकल, वो तो ऊपर से 5 रुपए मांग रहा था। तो फिर अब क्या करोगे? मुझे तो आई नहीं है भगवान अंकल, मैं क्यों करूंगा? अरे मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। आइडिया, अरे तुम चंद्रमुखी से क्यों नहीं मांगते? नहीं नहीं भगवान अंकल, गैरत भी कोई चीज होती है यार, मैं उससे ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुका हूँ, अब मैं उससे और कुछ नहीं मांग सकता भगवान अंकल, मैं भी एक अच्छा इंसान। हेलो चंद्रमुखी। पप्पू जी आपने हमें रिमेम्बर आया? रिमेम्बर आया? अरे हाँ, वही जो दो प्रेमी एक दूसरे से दूर होने पर एक दूसरे को रिमेम्बर आते हैं ना, वैसे ही। अच्छा याद करते हैं? हाँ। पैसे पप्पू पैसे। चंद्रमुखी दरअसल मुझे तुम्हें ये बताना था कि मुझे जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी? अभी नहीं, देखिए अभी अभी तो हमारे बीच में ना प्यार भरी बातें स्टार्ट ही आ रही है ना, इतनी जल्दी नहीं। नहीं नहीं चंद्रमुखी, दरअसल मेरी बुआ की मासी का जो छोटे वाला बेटा है ना, उसकी बीवी की ननद का हार्ट का ऑपरेशन है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा फिर तो ठीक है पप्पू जी। पता नहीं वो जिंदा बच भी पाएगी या नहीं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ क्यों पप्पू जी, क्या उन्हें कोई बहुत बड़ी डिसीज हैपनी है? हैपना? अच्छा मतलब हुआ है? नहीं कोई सीरियस हैपना मतलब सीरियस डिजीज तो नहीं हुई है, लेकिन कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा होगा इलाज में, और मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं उन्हें कैसे बचाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? नहीं नहीं पप्पू जी, आपका मुंह ना बहुत ब्यूटीफुल है, आप है ना उनको वही मुंह दिखा देना। अरे तुम समझी नहीं चंद्रमुखी, अगर मैं 50,000 रुपए नहीं दे पाया
तो क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? पप्पू जी, तुम 50,000 रुपए के लिए आपकी आंखों में आंसू चंद्रमुखी नहीं देख सकती। हम ना अभी अपने ड्राइवर के हाथों आपको पैसे भिजवा देते हैं भैया जी से लेकर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत। चंद्रमुखी, तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं ले लूंगा। पर पप्पू जी, हम जिद कहाँ कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो ठीक है, तुम भिजवा देना पैसे। ओके बाय। अच्छा सुनिए पप्पू जी। हेलो 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 पप्पू जी, हेलो। पैसे का इंतजाम हो गया। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।